हम लोगों ने सम्मान दिया माननीय विधायक महोदय का, और जिस प्रकार से वो यहाँ पर राजनीतिक रूप से भाषण दे करके गए, ये बहुत ही निंदनीय है। जबकि इसके पहले इस मंच की जनता है। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक संजीव प्रिया ब्लॉग्स। दोस्तों, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बावजूद भी हमारा शहर चिरमिरी को जिला का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 4 जिले की घोषणा की गई थी, जिसमें हमारा शहर चिरमिरी को भी जिला बनना तय था, लेकिन चिरमिरी के दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि चिरमिरी को जिला नहीं बनाया गया, जिससे यहाँ के आमजन बहुत आक्रोशित हो गए। सभी ने अपनी दुकान प्रतिष्ठान सब आज 16 अगस्त को बंद रखी, और जब तक चिरमिरी को जिला नहीं बनाया जाएगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, और ये हमारी चिरमिरी की हक की लड़ाई है, और हम इसे लेकर रहेंगे। जब तक नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। विधायक, जैसा मैंने अपने पहले भाषण में कहा कि विधायक जी निर्णय लेंगे, और विधायक जी को यहाँ से इस मंच से स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हम चिरमिरी हित के लिए क्या करना चाहते हैं। हम यही सुनने के लिए आए हैं सबसे, और यही सुनना चाहते हैं। इस मंच का उद्देश्य यही है, चिरमिरी सिर्फ मांग कर रहा है, आपके किए हुए निर्णय का विरोध नहीं कर रहा है। यही बातें यहाँ से मंच से जानी चाहिए, और विधायक जी से मैं इस मंच के माध्यम से आग्रह करता हूँ, पूरा इस मंच का जो उद्देश्य है उस मंच की उद्देश्य पूर्ति आपको करनी चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। पूरा आग्रह है मेरा विधायक जी से, आप इस मंच में आकर के चिरमिरी के हित के लिए आप क्या करना चाहते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति कीजिए, ये कार्यक्रम तभी बंद। इसी के बीच हमारे मनेगढ़ विधानसभा के जो विधायक है माननीय विनय जसवाल की वहाँ एंट्री हो गई। और जिला का आगमन विधायक जी माननीय विधायक जी आगमन हो रहा है, और वो हम सन्न करके अपनी एक मांग रखना है कि हमें तत्काल आप बात करिए, सीएम से बात करिए, और नहीं भाई यहाँ से तुरंत आप रायपुर जाइए, तत्काल मुख्यमंत्री जी से बात करिए और इसको सुधारिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होते होते समय लगता है, गजट मामले में समय लगता है, और ये समय है, ये हमारी आखिरी लड़ाई है। आज आखिरी लड़ाई में हमें केवल जेल की बात करना है, केवल जेल की बात करना है, जेल की एकता, जेल की एकता। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे लोगों का काम करना है, मैं क्यों नहीं काम करूंगा, क्यों नहीं बात करूंगा। आप पूरा विश्वास रखे, चिरमिरी की जनता पूरी विश्वास रखे कि जो जिला बना है और जो भावनात्मक त्रुटि हुई है वो ठीक होगी, वो ठीक होगी, और चिरमिरी का जो 15 साल से अलग नहीं किए वो काम जो कर दिए हैं, 15 साल से जो काम नहीं किए हैं वो काम हम कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भैया, कृपया आगे भी करिए और कार्यक्रम के लिए भी करना। Yeah.